नाउ स्टूडेंट, आज लग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नाउ फंक्शन हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इन द क्लोज इंटरवल 1, 3। तो सबसे पहले अगर कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहले हमने देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूज होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो बिकॉज ये जो हमारे पास फंक्शन है पॉलिनोमियल है, बीइंग ए पॉलिनोमियल दिस फंक्शन इज कंटिन्यूज फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये कंटिन्यूज है तो इस इंटरवल में भी ये कंटिन्यूज होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एफ एक्स विल बी कंटिन्यूज इन क्लोज इंटरवल 1, 2, 3। तो अगर सेकेंड डिफरेंशिएबल की बात करें तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दैट इज 3x² माइनस 10x माइनस 3। क्लियरली एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 3, 1, 3। मीन फंक्शन जो हमारे पास है ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1, 3। सो एफ एक्स सेटिस्फाइज बोथ दी कंडीशंस ऑफ लग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम। सो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। नाउ अगर एफ ऑफ थ्री की बात करें तो एफ ऑफ थ्री हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ थ्री 3³ माइनस 5 × 3² माइनस 3 × 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 27। और एफ ऑफ वन की वैल्यू की बात करें 1 − 5 − 3, सो ये हमारे पास आ जाएगा −7। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एफ डैश सी इज इक्वल टू −27 −-7 डिवाइडेड बाय 2। तो सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास −10 आ जाएगा, एफ डैश सी 3c² −10c −3 इज इक्वल टू −10। तो 3c² −10c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 7/3 एक 1, क्योंकि हमने जो वैल्यूज देखनी है c की दैट शुड बी लाई इन 1 और 3। सो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/3 दिस बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1, 3। सो सी की वैल्यू 7/3 आ जाएगी, सी इज इक्वल टू 1 ये हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। सो देयर फोर सी इज इक्वल टू 7/3। सो देयर फोर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। सो ऐसे हमने क्वेश्चन करने हैं, रोल्स थ्योरम भी हमने ऐसी की थी, वहां पे भी हमने सी की वैल्यू फाइंड की थी, यहां पे भी हमने सी की वैल्यू फाइंड की है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई करनी है हमने लग्रांजीज थ्योरम, वेरीफाई लग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 sin x इन दी क्लोज इंटरवल −π to +π। तो अगर कंटिन्यूटी की बात करें, सबसे पहले x हमारे पास पॉलिनोमियल है, दिस इज कंटिन्यूज फॉर ऑल रियल नंबर, साइन x इज कंटिन्यूज फॉर ऑल रियल नंबर। तो यहां पे एफ एक्स एक्स माइनस 2 sin x दिस इज कंटिन्यूज फॉर ऑल रियल नंबर्स। अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कंटिन्यूज है तो क्लियरली ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूज होगा इन क्लोज इंटरवल −π to +π। तो सेकंड अगर इसके डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव हमारे पास 1 − 2 cos x, क्लियरली एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल −π to π।
मीन फंक्शन जो एफ एक्स है हमारे पास, वो हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो एफ एक्स सेटिस्फाइज बोथ दी कंडीशंस ऑफ लग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी और एक्स, आप सी भी लिख सकते हो, आप एक्स भी लिख सकते हो, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो एफ डैश सी हमारे पास वन माइनस टू कॉस एक्स, यहां पे एक्स क्योंकि यहां पे हमने एक्स लिखा है तो यहां पे एक्स लिख देंगे, वन माइनस टू कॉस एक्स एफ ऑफ पाई। तो अगर एफ ऑफ पाई की भी बात करें तो ये हमारे पास पाई माइनस टू साइन पाई, एफ ऑफ माइनस पाई वो हमारे पास माइनस पाई माइनस टू साइन माइनस पाई डिवाइडेड बाय टू पाई। साइन पाई की वैल्यू भी जीरो, साइन माइनस पाई की वैल्यू भी जीरो, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा टू पाई डिवाइडेड बाय टू पाई। तो वन माइनस कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वन। तो वन माइनस टू कॉस एक्स इज इक्वल टू वन, तो यहां पे हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू जीरो, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस पाई बाय टू। क्लियरली बोथ दी वैल्यूज बिलोंग्स टू दी ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई, हेंस लग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो यहां पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, कम से कम एक जरूर आएगी। नाउ नेक्स्ट डिस्कस दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ दी लग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम टू दी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी मॉडुलस ऑफ एक्स। तो जैसा कि हमने रोल्स थ्योरम में भी इसकी एप्लीकेबिलिटी चेक की थी कुछ क्वेश्चंस की, तो वहां पे भी अगर मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो ये तो कंटिन्यूज होता है, एफ एक्स हमारे पास कंटिन्यूज तो है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, कौन से पॉइंट पे, जीरो पे। तो इसका जीरो, ये जो जीरो जो पॉइंट है हमारे पास इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है, तो इसका सबसे पहले हम शो करेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जीरो पे, वो हमारे पास आ जाएगा एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जीरो। तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो हमारे पास आ जाएगा जीरो का मॉडुलस विच इज जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय एक्स। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्स क्योंकि जीरो से लेस देन है तो एक्स हमारे पास नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स के। तो माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस वन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया इसका, माइनस वन। लेकिन अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें जीरो पे, तो जीरो पे राइट हैंड डेरिवेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जीरो, यहां पे एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस जीरो ओवर एक्स, तो ये हमारे पास आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ जीरो। तो मॉडुलस एक्स ओवर एक्स, तो एक्स हमारे पास क्योंकि पॉजिटिव है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स सॉरी मॉडुलस ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा एक्स। तो यहां पे हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो पे क्या आ गया, वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था जीरो पे, माइनस वन, और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है जीरो पे, वन। बोथ आर नॉट इक्वल, इट मींस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और जीरो हमारे पास पॉइंट जो है इट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन।
So therefore this function is not differentiable in open interval to -1 to 1, means we cannot apply, means Lagrange's mean value theorem is not applicable on this function in this interval. Now next question is, if fx is a quadratic polynomial and a, b are any two numbers, then a plus b over 2 is the only value of c which satisfies the mean value theorem in the open interval 1 a b. तो यहां पे हमें फंक्शन गिवन क्या है, हमारे पास फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ लेट एफ एक्स, यहां पे हम पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेंगे पी एक्स स्क्वायर, एनी पॉलिनोमियल, प्लस क्यू एक्स प्लस आर इन दी इंटरवल ए बी. तो अब इस फंक्शन पे हम इस पॉलिनोमियल पे इस इंटरवल में लग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे. क्लियरली बिकॉज एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, तो अगर पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस भी होगी, डिफरेंशिएबल भी होगी इन द ओपन इंटरवल. ये दोनों पॉइंट्स आपने लिख देने हैं यहां पे, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं. देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए. तो एफ डैश सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टू सी पी प्लस क्यू. तो एफ ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास पी बी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू बी प्लस आर माइनस पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस आर डिवाइडेड बाय बी माइनस ए. नो कैंसल आर, सो पी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्यू इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए. तो इसके फैक्टर बना लेंगे बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए. आफ्टर टेकिंग कॉमन बी माइनस ए टेकिंग कॉमन बी माइनस ए वी विल गेट पी इंटू बी प्लस ए प्लस क्यू ओवर बी माइनस ए. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, टू सी पी प्लस क्यू. तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो टू सी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी इंटू बी प्लस ए प्लस क्यू, कैंसल क्यू. सो सी इज इक्वल टू बी प्लस ए ओवर टू. तो यहां पे हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी ओवर टू, विच ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी का अर्थमेटिक मीन विच क्लियरली बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए एंड बी. क्योंकि कोई भी दो नंबर आप लो उसका अर्थमेटिक मीन ऑलवेज लाई बिटवीन देम. तो यहां पे ए प्लस बी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, हेंस द प्रूफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स. तो कर्व पे हमने पॉइंट फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रा करेंगे दैट विल बी पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स. जैसा कि हमने रोल्स थ्योरम का अगर ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस किया था तो वहां पे हमारे पास था कि कर्व पे एक ऐसा पॉइंट आ जाता था जहां पे जो टेंजेंट थी दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. लेकिन अगर लग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें, वहां पे हमारे पास कर्व पे एक पॉइंट आता था जहां पे जो टेंजेंट थी वो पैरेलल होगी किसके, ए एफ ऑफ ए एंड बी एफ ऑफ बी. तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल होती थी. तो यहां से हमें एक तो एक इंटरवल की इंटरवल भी पता चल जाएगा, क्योंकि वहां जब हम लग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं तो कौन से इंटरवल पे लगाते हैं, ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी पे. तो यहां पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू थ्री, एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो, ये हमारे पास बी की वैल्यू और ये हमारे पास एफ ऑफ बी की वैल्यू. तो
हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, x माइनस थ्री होल स्क्वायर, और इंटरवल हम क्या कंसीडर करेंगे, 3-4। तो ये कैसे पता चला इंटरवल कौन सा कंसीडर करना है? तो क्योंकि जब लग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम में हम करते हैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में, तो वहां पे जो लाइन ज्वाइनिंग होती है दीज टू पॉइंट से होती है, तो इसको कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4। नाउ क्लियरली दिस इज कंटिन्यूज पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये कंटिन्यूज होगी एवरीवेयर, तो इस क्लोज इंटरवल में भी कंटिन्यूज होगी, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो देयर फोर एफ एक्स सेटिस्फाइज बोथ कंडीशंस ऑफ बोथ दी कंडीशंस ऑफ लग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3-4 सच दैट एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो एफ डैश सी की वैल्यू 2 इंटू सी माइनस 3, एफ ऑफ 4 आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन ये आपके पास क्या है एफ ऑफ 4, अगर आप डायरेक्ट पुट करोगे 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1, सो सेम ही आएगा 1 माइनस एफ ऑफ 3 क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय 1, सो 2 इंटू सी माइनस 3 इज इक्वल टू 1, सो सी माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, दिस क्लियरली बिलोंग्स टू द इंटरवल 3-4, तो ये तो हमारे पास सी की वैल्यू होगी, पॉइंट कौन सा आता था सी कॉमा एफ ऑफ सी, और अगर एफ ऑफ सी की बात करें मीन्स एफ ऑफ 3/2, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3/2 माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज 1/ यहां पे जो पॉइंट आएगा 3+1/2 7/2, तो 7/2 तो ये हमारे पास 1/2 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो कर्व पे जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया 7/2 एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, तो एक्स कॉमा वाई दिस इज द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज टू लाइंस। नाउ ऑलमोस्ट आपका लग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम का टॉपिक कवर हो गया इससे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू थ्योरम करेंगे। ओके.